नमस्कार दोस्तों, हैप्पी कुकिंग विद नेहा में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी। ये सब्जी बनने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। इसे आप राइस, पराठा या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है उबला आलू, जिसे मैंने छील के और क्यूब्स में कट कर लिया है। हाँ फ्रेंड्स, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने टमाटर लिया है, मैंने 3 से 4 बड़े टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्ची लिए, 1 छोटा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, बड़ा ले सकते हैं 1 या 2 इंच का टुकड़ा। इन्हें हमें पीसना है एक साथ मिक्सी में। और इसी के साथ मैंने इसमें लिया है जीरा और राई, दोनों को मिक्स करके, ये देखिए, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए गरम मसाला, आप इसे भी ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते। मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ही, और नमक। ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल गरम करके उसमें जीरा और राई को तड़काएंगे। राई तड़कने के बाद इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर के पेस्ट को तेल छोड़ने तक हमें पकने देना है। जब ये टमाटर का पेस्ट तेल छोड़ दे, हमें इसके अंदर अपना ये सूखा मसाला डालना है। हमें गरम मसाला ऐड नहीं करना है, बाकी के जो हमने मसाले लिए हैं वो डालने हैं। और इसे अच्छे से मिलाना है हमें, और लगभग इसमें हमें आधा कटोरी जितना पानी डाल देना है, जिससे हमारा ये ग्रेवी, जो हमारे टमाटर का पेस्ट है, वो बर्न ना हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये टमाटर की ग्रेवी पक जाएगी, देखिए इसने मसाला छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया है, हम इसमें 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, आपको सब्जी कैसी रखनी है। और फिर हम इसमें 2-3 उकाली लेंगे। जब ये पानी उबलने लग जाए, ग्रेवी उबलने लग जाए हमारी, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। और अब हम इसमें हमारे क्यूब में कट किए हुए पटेटोज ऐड करेंगे। मैंने कुछ आलूओं को मसल के डाला है, देखिए, जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी। और बाकी आलूओं को मैंने ऐसे ही डाल दिया और मिक्स कर लिया। अब हम इसे 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें उबाल आ गई है, अभी हमारी सब्जी एकदम तैयार है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है मैंने, आप चाहें इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मैंने हरा धनिया डाला है। ये देखिए हमारी सब्जी एकदम तैयार है, आप इसे राइस, रोटी के साथ सर्व करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आलू की सब्जी की या मेरी अदर रेसिपीज़ आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।